आपको टॉयलेट रोज रोज साफ करने का डिटेल बताऊंगी और इसे आप आसानी से कैसे साफ कर सकते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ, जो आपको रोज नहीं करना पड़ेगा और बदबू भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें लेना है नींबू। इस तरह से मैंने आप नींबू लिए हैं, आप इस तरह से ले सकते हैं। तो हमें ये रख दें साइड में। और यहाँ ली मैंने कटोरी। तो फ्रेंड्स, हमें ले लेनी है यहाँ पे कटोरी और इसमें हम डालेंगे डिटर्जेंट पाउडर। आप जो भी यूज कर सकते हैं, जो यूज करते हैं वो लेते ले लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ लेना है हमें डिटर्जेंट पाउडर, यूज करते हैं वो ले सकते हैं। तो और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मीठा सोडा। ये देखिए जितना सरप है उतना ही मैंने यहाँ पे मीठा सोडा डाला है। और हाफ चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। हमें हाफ चम्मच ही चाहिए। ये देखिए रस डाल दिया है और इसे हम करते हैं मिक्स। रोशन बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दिया लिया है, ये मेरे पास पुराना दिया नहीं तो मैंने नया ले लिया है। आप कोई बात नहीं, पुराना दिया यूज कर सकते हैं। तो इसे भरेंगे हम इसमें। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सोलूशन इसमें कर लिया है। अब क्या लेना है, हमें लेनी है पोलोथीन। ये भी सबके घर में मिली जाएगी। आपको ऐसा आइडिया बताऊंगी जो आपको एक रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो हम इसमें से आधी पिन्नी ले लेते हैं। ये देखिए आधी रख देंगे। और अब क्या करना है, इस दिए को हम रखेंगे इसके अंदर। ये देखिए हमें ये इस तरह रखना है उल्टा करके और पीछे से हमें लगानी है रबड़। हम इस तरह से रबड़ लगा देंगे। ये सबके घर में मिल ही जाता है, आपको बाहर से सामान लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा पिन्नी है तो इसे मैं हटा देती हूँ। ये हटा दी है। अब हम दिए को कर लेंगे सीधा। और मैंने यहाँ पे झाड़ू की सीख ली है, आप तार भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमें छोटे छोटे होल कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से। अब क्या करना है, हमें लेनी है इस तरह की रस्सी या डोरी, जो भी हो। मैंने यहाँ पे डोरी ली है और यहाँ पे हम इसको बांध देंगे पकड़ते हुए। इस तरह हमें ये यहाँ पे एक नॉट लगा देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह की चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमें दिया रखना है, जो प्रेशर होता है इसमें डाल देना है। इससे क्या होगा, जो भी इसमें कीटाणु होंगे, जो भी कीटाणु होंगे वो इससे मर जाएंगे और हमारे टॉयलेट में बदबू नहीं आएगी। और ये इस तरह से झाग आते रहेंगे और हमारे टॉयलेट अच्छा भी रहेगा और साफ भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, बताएं आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं।